वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 2022 में पूछे गए थे, ठीक है। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाने के बाद वीडियो देख सकते हैं। आज हम सीखेंगे इसमें से जो कुछ क्वेश्चन बचे थे उनके बारे में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में करवा दिए थे। आज हमारा क्वेश्चन है, देखिए, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 तो हमें बताना है 3a न्यून कोण है तो a का मान हमें बताना है, ठीक है। अब न्यून कोण होते क्या हैं? ऐसे कोण जो जीरो से बड़े हों और 90 से छोटे होने कहा जाता है न्यून कोण, ठीक है। तो इसमें आपको आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, अगर दो कोट पूरक कोण हों तो हम कौन सा सूत्र लगाते थे? ये देखिए साइन, देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा, और इसका जस्ट अगर अपोजिट कर दिया जाए तो कॉस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा, ठीक है। बस यही सूत्र इसमें अप्लाई कर देंगे और हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सवाल देखिए क्या है हमारा। देखिए सवाल हमारा दिया गया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, ठीक है। तो सवाल लिख लेते हैं सबसे पहले, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, ठीक है। अब या तो इसको साइन में चेंज कर लीजिए इस सूत्र से, इस सूत्र से इसको साइन में चेंज कर सकते हैं इसको, या तो इसको चेंज कर लीजिए कॉस में, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अगर हम कोण बराबर कर देंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम साइन 3a में सूत्र लगाते हैं। इसमें साइन 3, यहाँ पर 3 हम मान लेंगे थीटा है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक। तो यहाँ साइन 3a बराबर इसी तरीके से क्या आ जाएगा? कॉस 90 माइनस 3a, ठीक है। क्यों? साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 3a बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस 3a, ठीक। बराबर इधर कितना आ जाएगा? कॉस a माइनस 26, ठीक। अब ये जो कॉस के दोनों मान इधर और उधर लिखे हैं बराबर तभी हो सकते हैं यदि इनके जो संगत कोण हों ये बराबर हो। यहाँ पर नीचे लिख देंगे, यह दोनों मान तभी बराबर हो सकते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तभी कॉस के जो दो मान हैं दोनों बराबर हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों और मान दिए कितने हैं? इधर दिया 90 माइनस 3, इधर दिया a माइनस 26। तो लिख लेंगे 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। a a को एक तरफ ले आएंगे और बाकी जो संख्या है उनको एक तरफ लिख लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 90 और 26 को इधर ले आएंगे और 3 को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा प्लस का 3a और ये तो प्लस का था ही, ये 90 ये 26 इधर आ गया, हो गया प्लस का, ठीक है। तो जोड़ देंगे यहाँ जो 6 और 9 दो हो जाएगा 11 बराबर 4a, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा? 116 बटे 4। 4 से काट देंगे इसको, 4 × 2 = 8, यहाँ पर बच गया 3 × 4 = 36, ठीक है। इस प्रकार a का मान यहाँ से कितना निकल कर आ गया? 29। ये हमारा हो गया a का मान, ठीक है। तो हमने हमारे देखे सवाल में क्या क्या आ गया था? a का मान निकालना था, जहाँ लिखा था 3a न्यून कोण है। अब चेक कर लें क्या 3a हमारा न्यून कोण है, तो a का मान हमारा 29 आ गया है, ठीक है। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 3a बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 29 यानी कि 87 अंश, ठीक है। यानी कि 3a हमारा क्या है? न्यून कोण है। 3a एक न्यून कोण है जो हमने निकाला है उससे भी। इस प्रकार जो हमने आंसर निकाला है हमारा एकदम राइट, ठीक। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। देख लीजिए आप शुरू से। ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।